दोस्तों 14 फरवरी का वो काला दिन जब हमारे 40 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए थे और इसकी जिम्मेदारी ली थी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने। वो दिन और आज का दिन देश के अंदर एक ऐसा क्रांतिकारी माहौल बन गया था जो कि शायद इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था। उन सारे शहीद सैनिकों के लिए जिस तरह का रोष देश के हर एक नागरिक ने दिखाया वो कहीं ना कहीं देश की एकता को भी सामने लेकर आया। ये ऐसा वक्त था जब कुछ नेताओं को छोड़कर बाकी सब इस हमले का जवाब देने के पक्ष में एक साथ खड़े नजर आए। जातिवाद, धर्मवाद, हर चीज को दरकिनार करके जिस तरह से देश के हर एक नागरिक ने इन आतंकवादियों के खिलाफ गुस्सा दिखाया वो गजब था। इस बीच देश के अंदरूनी गद्दारों की धरपकड़ भी लाजवाब थी। देश के कोने कोने से इन कीड़े मकोड़ों को पकड़कर सामने लाया गया जो अभी तक नकाब के पीछे छुपे हुए थे। सब कुछ हो रहा था लेकिन देश को इंतजार था प्रधानमंत्री की उस बात के सच होने का जब उन्होंने कहा था ये बहुत बड़ी गलती कर दी। और आज यानी कि 26 फरवरी की सुबह 3:30 बजे वो हो गया जिसकी उम्मीद तो सबको जरूर थी लेकिन इतनी जल्दी और इस तरह से होगा ये किसी को नहीं पता था। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर जैश ए मोहम्मद के बालकोट में स्थित कई सारे आतंकी ठिकानों पर बमबारी करके उन्हें तहस नहस कर दिया। फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले ने एयर स्ट्राइक की पुष्टि कर दी है और बताया है कि जैश ए मोहम्मद के बालाकोट वाले जिस कैंप पर बमबारी की गई है उस कैंप को चलाता था मसूद अजहर का ब्रदर इन लॉ मौलाना यूसुफ। ये कैंप किसी पहाड़ी पर घने जंगलों के बीच आबादी से दूर बसा था। मिराज 2000 नाम के विमानों से करीब 1000 बॉम्ब गिराने की पुष्टि की गई है। अब इन सबके बीच एक अच्छी बात जो इस बार हुई है वो ये कि इस एयर स्ट्राइक की पुष्टि खुद पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर ने अपने ट्विटर हैंडल से कर दी है। तो एटलीस्ट इस बार देश के अंदर के नेता तो इस बात को नकार नहीं पाएंगे कि ऐसा नहीं हुआ है। और कुछ दो मुंह नेताओं को ना चाहते हुए भी इस बार प्रधानमंत्री को इस काम के लिए बधाई देनी ही पड़ेगी। लेकिन एक बात और भी सच है कि आज तो नहीं लेकिन कुछ दिन के बाद ये दो मुंह नेता घुमा फिराकर एक बार फिर से इस सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल जरूर उठाएंगे। आदत से मजबूर जो है ये लोग। पाकिस्तान की आम जनता भी आतंकवाद का कई बार शिकार हो चुकी है, ऐसे में उनके लिए भी ये किसी तोहफे से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, उनकी आर्मी सदमे में जरूर हो सकती है, तो आज तो हम इस बात का जश्न जरूर मनाएंगे लेकिन एक बात ये भी सच है कि आने वाले दिनों में कुछ नेता, कुछ यूट्यूबर, कुछ एक्टर्स घुमा फिरा के इस सर्जिकल स्ट्राइक को भी गलत ठहराने की कोशिश करेंगे और अपनी गलत सोच को जबरदस्ती आपके दिमाग में भी भरने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमें इन जैसे लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम इससे पहले अपनी इंडियन आर्मी की महारत ग्राउंड लेवल पर पिछले सर्जिकल स्ट्राइक में देख चुके हैं और अब देश की वायुसेना ने भी अपने इस कारनामे से इस बात की दस्तक दे दी है कि जवाब हमें देना आता है। एक बात का आप विशेष ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ बिके हुए यूट्यूबर्स, कुछ पत्रकार, कुछ एक्टर्स, ये सब मिलकर आपके सामने एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे। वो आपको कहेंगे कि अब देश में खतरा बढ़ने वाला है, स्थिति खराब होने वाली है, तो ऐसे में आपको सिर्फ एक काम करना है, इनकी न्यूज और वीडियोस मत देखिए, इनकी बातें मत सुनिए, एक लाइन में कहूं तो सीधा इग्नोर कीजिए। इस स्ट्राइक को ये लोग राजनीतिक रूप देते हुए ये कह सकते हैं कि चुनाव आने की वजह से ये सब किया गया है। तो एक बात इन सब लोगों को समझ लेनी चाहिए कि ये सर्जिकल स्ट्राइक चाहे चुनाव की वजह से हुआ है या ईगो की वजह से हुआ है या देशभक्ति की वजह से हुआ है, पर किया तो सही है जिसके लिए देश इतने दिन से इंतजार कर रहा था। तो एक बार फिर से ये कहने का वक्त आ गया है। हाउ इज द जोश। जय हिंद।